बादलों पर एक फरिश्ते को अल्लाह ने मुकर्रर किया है। मैंने कहा ना वल मुदब्बिरात अमरा, तो एक फरिश्ता होता है राद जिसका नाम है, वो जो है पस्तखद होता है, उसका नाम कुरान में लिया गया है राद, और उसके हाथ में आग का कोड़ा होता है। बादल एक ही जगह रुक के बरसा रहे होते हैं पानी, जब उस फरिश्ते के जहन में आता है कि यहाँ से अब बादल को आगे बढ़ाना है, कहीं और भेजना है, वहां जाके बरसे ताकि ये बादल वहां बरसे, तो जो आग का कोड़ा उससे मारता है बादलों को, वो बादल जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है और वहां जाकर वो बरसते, जहां जाके रुकते हैं वहां बरसते, उससे आग निकलती झलती है उससे आग कोड़े से, तो उसका नाम है बर्फ बिजली। अब इन दोनों में एक है आवाज बिजली की, एक है बिजली की चमक, पहले कौन सुनाई देती है, पहले कौन दिखाई देती है। इसे वास्ते तालीम हासिल करना, साइंस पढ़नी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट जो है वो आवाज से ज्यादा तेजी से सफर करती है, पहले लाइट दिखती है उसके बाद थंडरिंग दिखती है, पहले लाइटनिंग बाद थंडरिंग। डरना किससे है, थंडरिंग से डरना है कि लाइटनिंग से डरना है, बिजली की जो चमक है उससे डरना चाहिए या उसकी आवाज से डरना चाहिए। हम डरते हैं आवाज से, हालांकि वो आवाज जो है बिजली के गिरने के बाद आती है, खामोशी से गिर जाती है बिजली, उसके बाद ढक 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 उसकी आवाज आती है, हम डरते हैं आवाज से, डरना तो चाहिए बिजली की चमक से।